नमस्कार, आप देख रहे हैं महाखबर और मैं हूं कृतिका भटनागर। जिस तरह कोरोना वायरस की महामारी ने ना केवल भारत बल्कि पूरे विश्व को अपनी चपेट में ले लिया है, उसी तरह इसने हिंदुओं के लिए पवित्र माने जाने वाले शहर वाराणसी को भी नहीं बख्शा। वाराणसी के साथ साथ उसके आसपास के इलाके भी कोरोना महामारी की दूसरी लहर से बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। इस क्षेत्र के नाराज लोग अब ये सवाल पूछ रहे हैं कि उनके सांसद और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जरूरत के वक्त कहां पर थे। कहा जाता है कि योगी मोदी जी के खास है। जब वाराणसी समेत पूरे उत्तर प्रदेश में प्रगति की लहर दौड़ गई, जहां बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स चालू करवाने की बात हो या भव्य राम मंदिर बनवाने की, मोदी जी ने वहां के लोगों का दिल आस्था के रूप में तो जीत लिया, पर उस राम मंदिर का ही क्या फायदा जब राज्य बसाने के लिए कोई प्रजा ही मौजूद ना हो। ना केवल मोदी जी बल्कि हमारी देश की हर सरकार को यह समझना चाहिए कि मंदिर और मस्जिद के विवाद से ऊपर उठकर हमें उन मुद्दों को उठाना चाहिए जिससे आगे चलकर वह देश हित में काम आए। अगर हम हाल फिलहाल की स्थिति पर नजर डालें तो वाराणसी में स्वास्थ्य सुविधाएं बुरी हालत में है। मरीजों को हॉस्पिटल्स में बेड नहीं मिल रहे, ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, एम्बुलेंस सेवाओं की दिक्कत है और एक कोरोना टेस्ट कराने में लोगों को हफ्तों इंतजार करना पड़ रहा है। अब वाराणसी विकसित तो हो रहा है पर यहाँ का विकास नहीं हो रहा है। हमारे देश की आधी आबादी यहीं बसती है और यहीं हमने लाशों के ढेर, रोते बिलखते लोगों की गूंज सुनाई पड़ रही है। यहाँ केवल हॉस्पिटल्स का ही ऐसा हाल नहीं है बल्कि पिछले 10 दिनों में ज्यादातर दवा दुकानों के पास विटामिन, जिंक और पैरासिटामोल जैसी बुनियादी दवाओं का स्टॉक भी खत्म हो चुका है। तो हम यहाँ पर आपसे यह प्रश्न पूछना चाहते हैं कि इन मंदिर मस्जिद के बेफजूल मुद्दों और दुनिया घूमने से हटकर हर रविवार मन की बात पर अपना प्रमोशन करने से पहले मोदी जी आपको देश हित के बारे में सोचना चाहिए, लोक कल्याण के बारे में सोचना चाहिए। तो यह थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बने रहिए महाखबर के साथ।